It's so heartening to see a global manufacturer जो कि ना कि सिर्फ भारत की conditions के हिसाब से भारत के हिसाब से एक कार बनाता है बल्कि उसका जो नाम है उसका जो नामकरण जो है वो भी भारत की एक ancient language से उठाता है संस्कृत से. Case in point is this Skoda Kushaq. Kushaq एक संस्कृत का word है जिसका मतलब है राजा the king. But the big question is this king simply clever? और या सिर्फ ये माहौलबाजी है वही आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे. नमस्कार खमागणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एसन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट स्कोडा कुशाक. सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट लुक्स और उसकी सारी जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ. आप डिसाइड कीजिए आपको पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही है बिकॉज सब्जेक्टिव है. बट एक चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है स्कोडास के बारे में कि डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं होती है. आप 5 साल बाद भी देखोगे तो गाड़ी आपको पसंद आएगी. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टाइमलेस सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन. विजन इन जो कॉन्सेप्ट था उस पर ये बेस्ड है और बहुत कुछ रिटेन किया गया है जो कि मेरे हिसाब से काबिल तारीफ बात है. कॉज बम्बर्स में चेंज करने पड़ेंगे और जो ज़रूरी चेंजेस होते हैं वो चेंज करने पड़ेंगे. एयर डैम भी लगेगा, वो सारी चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नज़र आते हैं. बट मोर लेस बहुत कुछ सिमिलर आपको लगेगी ये कॉन्सेप्ट के. अब अगर आप डिमेंशंस की बात करोगे सीधे कॉम्पिटिशन से क्रेटा से तो हो सकता है पहली बार आप देखोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ी छोटी है ये क्योंकि इनकी सारी SUVs वो बुच टाइप उनमें फील या इफेक्ट नहीं होता है, ज़्यादा सटल होती है. यहाँ पर भी सेम है. अगर आप डिमेंशंस की बात करोगे तो क्रेटा से थोड़ी बहुत आई थिंक लगभग 30 मिलीमीटर के आसपास का फ़र्क है. तो लंबाई लगभग बराबर हो गई है. और व्हील बेस की अगर आप बात करोगे तो वो सेगमेंट लीडिंग है 2651. बट अगेन किस तरीके से पैकेजिंग की गई है उस पर डिपेंड करता है कि इंटीरियर में कैसा स्पेस क्रिएट किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम इंटीरियर में जाएंगे. बाकी ऑल LED सेटअप आपको देखने को मिलेगा. हालांकि जो टर्न इंडिकेटर्स है हैलोजन्स मिलते हैं, बल्ब्स मिलते हैं, बाकी LED डेटा रनिंग लाइट आपको मिलती है. एक ओवरऑल अच्छी डिज़ाइन मुझे इस गाड़ी की नज़र आ रही है. ग्राउंड क्लियरेंस 188 mm है. अब चेकआउट करते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर. तो एक्सटीरियर जहाँ पे आपको एक टिपिकल स्कोडा जैसे नज़र आते हैं, अंदर का क्या मामला है? एक्चुअली मेरे बहुत ही मिक्स्ड टाइप के रिएक्शंस हैं. कुछ चीज़ें अच्छी यूज़ की गई हैं जैसे कि लेदर से रैप किया गया है, बढ़िया लगती है स्टीयरिंग देखने में भी. एक नया सा डिज़ाइन दिया गया है, 2-spoke ये इसे बोलते हैं, बहुत अच्छा लुक आ रहा है. यहाँ पे बटन्स दिए गए मल्टीपल जो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. ऊपर की तरफ देखोगे हार्ड प्लास्टिक है. यहाँ पे ऑलमोस्ट ग्लॉसी टाइप फिनिश दिया गया है. बट प्लास्टिक का जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे दिखाता है कि कॉस्ट कटिंग की गई है और क्रेटा गेम में हम एंटर कर रहे हैं क्योंकि क्रेटा को आपको प्राइसिंग में बीट करना है. तो कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइजेस आपको जो नज़र आएंगे वो क्वालिटी लेवल्स में नज़र आएंगे. ऐसा नहीं है कि फिटिंग फिनिश में खराबी है, इट्स जस्ट दिस सिलेक्शन जो है वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था, थोड़ा प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के हिसाब से. बहुत अच्छी चीज़ ये है कि सीट्स जो हैं वो ठीक ठाक कंफर्टेबल आपको लगती है और यहाँ पर भी आपको लेदर फिनिश दिया गया है. अच्छी सीट्स नज़र आ रही हैं ये, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है चीज़. बाकी पैकेजिंग ओवरऑल हमेशा स्कोडा अच्छी करती आई है. ठीक ठाक स्पेस भी क्रिएट कर देते हैं, स्टोरेज स्पेसेस भी क्रिएट कर देते हैं. अब यहाँ पे आप देखोगे तो वायरलेस चार्जिंग आपको दी गई है. फिर उसके बाद में यहाँ पे 12 पावर सॉकेट आपको दिया गया है. ये एक स्मार्ट टच है, सिंपली क्लेवर टच है कि 2 USB दी गई क्योंकि जो सारे नए फोन्स आ रहे हैं वो USB Type-C के लिए आ रहे हैं. हालांकि आपका एक क्वेश्चन होगा कि एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है नहीं करता है, वो करता है और वो भी वायरलेसली करता है विच इज़ अ नाइस टच. वेंटिलेटेड सीट्स आपको दी गई हैं, सेगमेंट में पहले देख चुके हैं, दैट्स अ नाइस टच अगेन. ये आपको पूरा का पूरा जो ऑपरेट करना है ये टच से होता है. ये मुझे लगता है कि बटन्स होते हैं तो थोड़ा बेहतर होगा क्योंकि आप ऑन द गो जब होंगे तो बटन्स अभी भी ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा यूज़फुल होंगे. और ये आपको टच स्क्रीन दी गई है जो मॉडर्न सभी इसके कंपटीशन में सभी गाड़ियां हैं उनमें भी आपको बड़ी टच स्क्रीन्स मिलती है. शायद हम उस एज में हैं कि सबको एक अच्छा फ्लूइड टच स्क्रीन चाहिए, वो यहाँ पर आपको दिया गया है. 10 इंच का है, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करता है जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया. बाकी इसमें भी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स दिए गए जिसमें कई सारी तरीके की इन्फॉर्मेशन देती है और जियो फेंसिंग उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है. बाकी ऐसा कुछ एडवांस आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर यहाँ पे नहीं दिया गया है, बहुत ही बेसिक टाइप के दिए गए हैं. आज जो थोड़ी सी इससे नीचे वाली कार्स हैं वो भी आपको ऑफर करती है. बट आई थिंक ओवरऑल काफ़ी फ्लूइड ये टच स्क्रीन आपको नज़र आएगी. ऑडियो सिस्टम के बारे में कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम यहाँ पे चला नहीं रहे हैं इस गाड़ी को, तो उसके बारे में नहीं बता सकते. बट यूजुअली इनके ठीक ठाक होते हैं कि आपको स्टॉक से भी आप काम चला सकते हैं.
उसके अलावा हम इंडियंस की सबसे फेवरेट चीज़ सनरूफ भी दिया गया है। अब स्टोरेज स्पेसेस की बात कर रहे थे हम, थोड़े से डिवेट हो गए थे, वापस स्टोरेज स्पेसेस पे आते हैं। अब यहाँ पे दो कप होल्डर्स दिए गए हैं, छोटी बॉटल्स आती हैं, हालांकि बड़ी बॉटल्स के लिए आपको दरवाजों में रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक जगह दी गई है, शायद यहाँ पे की रख सकते हैं जिससे कि आपकी चाबी जो है वो हिलेगी डुलेगी नहीं। अगेन अ थॉटफुल टच, अ सिंपली क्लेवर टच। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया है, इसके नीचे स्टोरेज दिया गया है जो ठीक ठाक बड़ा है, इनफैक्ट अच्छा खासा डीप है। कोई भी इंपॉर्टेंट सामान आपको रखना हो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो बता दें ग्लव बॉक्स इतना बड़ा है, एक्चुअली बहुत सारा सामान आ सकता है। दो तीन बॉटल भी रख दोगे उसके बाद भी जगह बच जाएगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह एवरीथिंग यू कैन कीप। और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको दिया गया है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग, बट यहाँ पर कोई कलर TFT नहीं दी गई है, थोड़ा ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ सेटअप गया है जो कि नॉट नेसेसरीली कोई डील ब्रेकर है, बट क्योंकि मॉडर्न डिजाइन देखने की हमें आदत पड़ी हुई है तो ये थोड़ा सा एक अलग हट के हमें नज़र आया है, थोड़ा पुराना नज़र आया है। अब यहाँ पर तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, डिस्टेंस, स्पीड आप कितने चल रहे हैं डिजिटल में भी दिखाता है आपको, वार्निंग्स वगैरह कुछ है, ऑयल टेम्परेचर कितना है, इकोनॉमी कितनी निकाली आपने, ओवरऑल रेंज कितनी बची है वो बताता है आपको। और इनफैक्ट इसमें TPMS भी है कि हर टायर में इंडिविजुअल प्रेशर कितना है। और ये देखेंगे आप इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है यहाँ पे दिया गया है। कई लोगों के अनयूजुअल पोजीशन हो सकती है क्योंकि हम यूजुअली यहाँ पे या तो यहाँ पे देखते हैं राइट में या लेफ्ट में देखते हैं, बट आई थिंक दैट्स अगेन नॉट अ डील ब्रेकर। अच्छी बात यह है कि आपको ऑटो सेंसिंग रेन वाइपर दिया गया है, मतलब अगर बारिश आती है तो खुद बहुत चालू हो जाता है। सेम ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ऑलराइट, दिस इज़ द रियर सीट। और रियर सीट एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊँ तो स्पेस में एक्चुअली आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। जो व्हील बेस हमें नज़र आ रहा है कि सेगमेंट में सबसे बड़ा है वो यहाँ पे ट्रांसलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। नी रूम देखिए बहुत शानदार है, हालांकि मेरी हाइट, मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हूँ, 5'7" के आसपास मेरी हाइट है, बट अगर आगे 6 फुट का बंदा भी बैठा तो भी मेरे पास जगह है। दैट मीन्स 2 6-footers या 5'11" के दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं, आई डोंट थिंक कोई परेशानी होगी, विच आई थिंक इज़ सिंपली क्लेवर, क्योंकि स्पेस हमको चाहिए, एक फैमिली कार है ये। 5 लोग क्या इसमें बैठ सकते हैं? एक्चुअली देखकर तो लग रहा है क्योंकि बहुत ही फ्लैट टाइप का यहाँ पे हम्प आपको नज़र आ रहा होगा, बट ये थोड़ी सी ऊपर उठी हुई सीट है, पर यहाँ पे बच्चा तो आराम से बैठ सकता है। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो 5 लोग भी आप डेफिनेटली बैठ ही सकते हैं। बाकी हेडरूम की अगर आप बात करोगे तो मेरे हिसाब से ठीक है, मैं थोड़ा अपराइट बैठता हूँ, बट अगर आप थोड़े चौड़ में बैठते हैं तो कोई परेशानी आई डोंट थिंक आपको होनी चाहिए। अच्छी बात ये जो सीट है पीछे से होल्ड आपको बहुत अच्छे से करती है, ये कर्व्ड टाइप हो रही है, आपको सीट्स जो है बहुत अच्छे से हग कर रही है। अगेन अ सिंपली क्लेवर टच। और यहाँ पे एसी वेंट आपको दिया गया है, ऑफकोर्स क्वालिटी नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्कोडा ऑनेस्टली। इनफैक्ट सिर्फ इसी की नहीं, ये यहाँ पर भी जो पूरा प्लास्टिक यूज़ किया गया है ऐसा लगता है कि बहुत ही बेसिक टाइप है ये। हाँ ठीक है, फीचर्स सारे दिए गए हैं, आई थिंक ये थोड़े बहुत ह्यूंडई वाले रास्ते पे चले गए हैं या किया वाले रास्ते पे चले गए हैं कि हम फीचर्स तो भर भर के दे रहे हैं, यहाँ पे क्वालिटी मुझे थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो USB Type-C 2 दी गई है, अगैन आगे भी 2 Type-C हैं, यहाँ पे 2 Type-C फास्ट वाली हैं, यहाँ पर 1 USB दे दी जाती है तो शायद थोड़ा और यूज़फुल हो जाता करंट कंडीशंस के हिसाब से। ऑफकोर्स अब सारे नए फोन्स में टाइप सी आ रहा है तो उस हिसाब से फ्यूचर रेडी है, डेफिनेटली है। एक चीज़ जो उसमें आपको कमी नज़र आएगी, लेट मी शो यू, वो जो कमी मैं बता रहा था वो है इसका बूट स्पेस। हालांकि पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि बहुत कम है, ठीक ठाक है, बट जब आप मेजरमेंट के हिसाब से देखोगे तो 385 liters है, विच इज़ लेस देन सब कॉम्पैक्ट SUVs। अगर आप सोनेट की बात करोगे, वेन्यू की बात करोगे तो 400 लीटर का आपको मिलता है, यहाँ पे 385 है। तो जो व्हील बेस को मैनेज किया गया, आई थिंक थोड़ी और बेटर पैकेजिंग अगर हो जाती तो मज़ा आ जाता, थोड़ा और बूट स्पेस हो जाता। बट अच्छी बात यह है फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, 60-40 स्प्रेड आप कर सकते हैं सीट्स को, जिससे कि आप इसका जो जो स्पेस है वो अप टू 14 लीटर्स कर सकते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। एंड नाउ द मोस्ट मुख्य या सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो ये है कि इंजन ऑप्शंस क्या हैं। आप सबसे पहले प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म ये MQB जो प्लेटफॉर्म है इनका ग्लोबली, उसका इंडियनाइज्ड एक वर्जन है, AO-IN इसे ये बोलते हैं, जो कि ऑफकोर्स थोड़ी सी कंपेरेटिवली अफोर्डेबल कार्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। इस पर ये कुशाक जो है पहली गाड़ी है, इसी पे टाइगून भी आने वाली है, और दोनों जो गाड़ियां हैं वो कंपोनेंट शेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा करने वाली है। डिज़ाइंस डेफिनेटली कम्प्लीटली अलग अलग हैं, हो सकता है फीचर्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे किए जाएँ, बट सिमिलर कार्स हैं बहुत सारे मायनों में। तो फॉर एग्जाम्पल इंजन की जैसे मैंने बताई बात, तो इंजन भी आपको सेम मिलने वाले हैं, 1 लीटर का एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है और एक 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है। 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो है वो थोड़े एंथुजियास्टिक लोगों को टारगेट करने के लिए कोशिश किया गया है, क्योंकि वो 150 PS और 250 न्यूटन मीटर्स के आसपास आप पावर फिगर्स आपको देता है। उसमें ट्रांसमिशन ऑप्शंस की अगर बात करूं तो 7-speed DSG भी उसके साथ में आएगा। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि DSG कंप्लीटली डिसकंटिन्यू हो जाएगा स्मॉल कार्स में, वो नहीं हुआ है, यहाँ पे दिया जाएगा। और उसी इंजन के साथ में
एक एक्साइटिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है, अभी हमने चलाई नहीं है, जब चलाएंगे तब बात करेंगे, वो है 6-speed मैनुअल। तो उस इंजन के साथ में एक 6-speed मैनुअल वुड बी एक्साइटिंग आई गेस। बाकी एक 1 liter का इंजन है जिसके साथ में भी आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों दिया जाएगा। 6-speed मैनुअल है और 6-speed टॉर्क कन्वर्टर है और उसकी पावर आउटपुट फिगर्स है लगभग आई थिंक 115 PS, लगभग 113 BHP के आसपास और लगभग 175 Nm, जो कि ज़्यादातर मास सेगमेंट के हिसाब से बनाया गया है। So that's it people on the Skoda Kushaq, Skoda की पहली legit compact SUV। Yes, Karoq भी ये लोग लेकर आए थे बीच में, but वो क्योंकि एक CBU थी, बहुत expensive है, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है। This right here is a direct competition। अगर आप बात करोगे क्रेटा से या फिर सेल्टॉस से, जो कि सेगमेंट के लीडर्स हैं, क्या ये उसे उनके गेम में बीट कर पाएंगे? आई एम नॉट टू श्योर, बट अगर ये ढंग के डायनामिक्स के साथ में एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर कर पाए तो डेफिनेटली एक अच्छी शुरुआत ही हो सकती है Skoda के लिए, Skoda 2.0 जो स्ट्रैटेजी है उसके अंतर्गत। बाकी जहां तक प्राइसिंग की बात है, अभी तक नहीं बताया गया है प्राइसिंग के बारे में, लॉन्च नहीं हुई है गाड़ी, इसे अनवील हुई है। हमें उम्मीद है कि शायद 9.5 लाख से लेकर लगभग 15 लाख के बीच में शायद इसकी प्राइसिंग होगी। अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी भी जो प्रोपोजिशन है वो ऑफर कर पाएगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं जो कि इसमें रह गए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।